हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो हमारा है आईएससी की पोएम है, इंग्लिश की 11 12th क्लास की, द डॉल्फिन्स करके। पोएम को लिखा है कैरल डफी ने। ठीक है, ये पोएम है डॉल्फिन्स के बारे में। डॉल्फिन्स आप देख सकते हो फिश टाइप की होती है। ठीक है, नॉर्मली ये रहती है समुद्र में, ओशियन में। ठीक है, समुद्र में। अब इंसान क्या करता है, इंसान इसको पकड़ के ले आता है समुद्र में से, ठीक है, जाल में अपने, और स्विमिंग पूल में यूज करता है सिर्फ हमें खुश रखने के लिए। जैसे सर्कस में जानवरों को रखा जाता है ना इंसानों को खुश रखने के लिए, ठीक है, तो ऐसे ही इनको ओशन में से पकड़ के ले आते हैं और इनको ऐसे स्विमिंग पूल में, देखो ये स्विमिंग पूल है, तो छोटे से स्विमिंग पूल में इनको रख दिया जाता है ताकि यहाँ पे लोग आए, लोग देख देख के इनको खुश हों। ठीक है, बहुत सारे आप देखोगे यहाँ पे जहाँ पे इनको रखा जाता है ना स्विमिंग पूल में, तो बहुत लोग इनको देखने आते हैं। जैसे कि हम लोग जाते हैं ना जू में जाते हैं, चिड़ियाघर में जाते हैं, इंसान इंसान जाता है चिड़ियाघर में देखने के लिए जानवरों को, और हम जानवरों को देख देख के क्या होते हैं, खुश होते हैं, बड़े हैप्पी होते हैं। हमारे लिए वो क्या है, चिड़ियाघर में जानवर हमारे लिए क्या है, हमारे लिए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। ऐसे ही ये डॉल्फिन भी क्या है, इसको ओशन से पकड़ के ले आते हैं, समुद्र में से पकड़ के ले आते हैं और स्विमिंग पूल में डाल देते हैं। अब ये हमारे लिए क्या बन जाता है, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। बट ये जो पोएट है ये बता रहा है, कैरल डफी ने लिखी है पोएम, तो ये कैरल डफी बताती है, पोएट बताता है कि डॉल्फिन की कभी हमने हमने कभी डॉल्फिन के बारे में नहीं सोचा, हमने अपने बारे में सोचा है। हमें तो अच्छा लगता है, ह्यूमंस को, हमें बड़ा मजा आता है देख के डॉल्फिन्स को स्विमिंग पूल में, हमारे लिए तो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, हमें तो बड़ी खुशी होती है देख के। बट क्या आपने कभी डॉल्फिन के बारे में सोचा है, डॉल्फिन क्या सोचती है, कि डॉल्फिन को सच में अच्छा लगता है जब स्विमिंग पूल में आप उसको करतब कराते हो। जैसे सर्कस में जानवरों से हम क्या कराते हैं, खेल कराते हैं ना, प्ले करवाते हैं, ठीक है, तो कहते हैं कि आप लोग तो मजे ले रहे हो ह्यूमंस, पर क्या आपने कभी डॉल्फिन के बारे में सोचा है, डॉल्फिन के इमोशंस क्या है, डॉल्फिन क्या सोचती है, क्या उसको अच्छा लगता है ये सब करना, जो आप उसको, उसका नेचुरल घर कहाँ था, समुंदर में, आप उसको कहाँ ले आए हो, स्विमिंग पूल में छोटे से उसमें रख दिया आपने। भाई ओशन तो बहुत बड़ा होता है, समुंदर कितना बड़ा है, स्विमिंग पूल क्या जरा सा है, ठीक है। तो अब डॉल्फिन क्या सोचती है, डॉल्फिन के इमोशंस के बारे में पोएट ने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो अब देखते हैं, वर्ल्ड इज व्हाट यू स्विम इन और डांस इट इज सिंपल। ये जो पोएम है ये एक तरीके से पोएट ने लिखी है डॉल्फिन के बिहाफ पे, कि आप समझ लो ये जो लाइन्स हैं ये डॉल्फिन लिख रही है, ठीक है, तो ये डॉल्फिन अब क्या कह रही है, ठीक है। तो पोएट ने डॉल्फिन के बिहाफ पे लिखा है कि डॉल्फिन क्या सोच रही है और डॉल्फिन क्या लिखती है, ठीक है। तो वर्ल्ड इज व्हाट यू स्विमिंग और डांस इट इज सिंपल। वो अब डॉल्फिन कह रही है अब डॉल्फिन कह रही है, जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ तो समझ लो पोएट लिख रहा है, तो पोएट ने डॉल्फिन के बिहाफ पे लिखा है, ठीक है। तो मैं ऐसे ये यूज करूंगा तो आप समझ जाना, जब मैं बोलूंगा डॉल्फिन कह रही है तो मतलब पोएट ने लिखा हुआ है, ठीक है, पोएट ने डॉल्फिन के इमोशंस को अपने बिहाफ पे लिखा है। तो डॉल्फिन कहती है वर्ल्ड इज व्हाट यू स्विम इन, मतलब दुनिया क्या है, दुनिया वो है जहां पे हम स्विम कर सकते हैं, हम डांस कर सकते हैं, हम आजाद हो सकते हैं, ठीक है। लाइफ का मतलब क्या है, लाइफ का मतलब मूवमेंट है, लाइफ का मतलब आजादी है। तो स्विमिंग और डांसिंग ये किसको मेंशन, ये किसको डिनोट करता है, किस चीज को सिग्निफाई करता है, आजादी को। लाइफ क्या है, दुनिया क्या है, जहां पे हम स्विम कर सको, जहां पे हमारा मूवमेंट हो सके फ्रीली, ठीक है, एज सिंपल, इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो डॉल्फिन यहाँ पे बोल रही है, मतलब पोएट बोल रही है कि दुनिया, हम वर्ल्ड, हम उसको कहते हैं जहाँ पे हम फ्रीली मूव कर सकें, हम तैर सकें, हम डांस कर सकें, हम फ्री हों, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहे हैं, अब डॉल्फिन क्या कहती है, वी आर इन अवर एलिमेंट बट वी आर नॉट फ्री। एलिमेंट मतलब पानी, वो कह रहे, तो अब डॉल्फिन कह रही है कि हम स्विमिंग पूल में तो हैं, और स्विमिंग पूल में ही पानी होता है, लेकिन हम फ्री नहीं है। क्यों नहीं है फ्री, क्योंकि ये बने कहाँ के लिए थे, डॉल्फिन बनी थी समुंदर के लिए। आप समुंदर से निकाल के उसको कहाँ ले आए, छोटे से स्विमिंग पूल में डाल दिया आपने। तो वो कह रही है कि डॉल्फिन की, हमारा घर तो समुंदर है, हम वहाँ फ्री महसूस करते हैं, स्विमिंग पूल हमारा घर नहीं है, यहाँ पे हम फ्री नहीं है, भले ही हम पानी में हैं लेकिन हम फ्री नहीं है यहाँ पे। आउटसाइड दिस वर्ल्ड यू कैन नॉट ब्रीथ फॉर लॉन्ग। अब वो कह रही है डॉल्फिन कि अगर मैं इस पानी से बाहर निकल जाऊँ तो मैं ज़्यादा लंबे टाइम तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी। ऑब्वियसली ये पानी में ही जिंदा रहते हैं, फिश है एक तरीके की, तो बाहर निकलेगी तो मर जाएगी। द अदर हैज़ माई शेप, द अदर मूवमेंट फॉर्म माई थॉट्स। ये अदर किसको कह रहे हैं, अदर ये कह रही है, डॉल्फिन कह रही है दूसरी डॉल्फिन को, कि मैं दूसरी डॉल्फिन की शेप भी मेरे जैसी है और उसकी, उसके मूवमेंट को देख के ही मैं मूवमेंट करती हूँ। क्योंकि जब ये लोग प्ले करते हैं ना डॉल्फिन यहाँ पे, तो ये आपस में एक दूसरे को, जैसे ये वाली डॉल्फिन मूव करेगी तो ये वाली डॉल्फिन उसको देख के मूव करती है, ठीक है। तो ये वाली डॉल्फिन ऐसे शेप लेगी तो ये वाली डॉल्फिन ऐसे शेप ले लेगी, ठीक है। तो ये बता रही है कि मुझे, डॉल्फिन कह रही है कि हमें इन्होंने स्विमिंग पूल में रिस्ट्रिक्ट कर दिया है और हमें एज अ सिर्फ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट यूज कर रहे हैं, ह्यूमंस प्ले की तरह यूज कर रहे हैं हमको,
कि दूसरा दूसरी डॉल्फिन ऐसे करेगी तो मुझे भी ऐसे ही करना है, वो ऐसे करेगी तो मुझे भी ऐसे ही करना है, ठीक है। तो हमें ट्रेन कर दिया गया है एक पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए, और हमें एक दूसरे की डॉल्फिन को देख के मूव करना है। अदर का मतलब यहाँ पे किसके लिए है, दूसरी डॉल्फिन को, एक डॉल्फिन दूसरी डॉल्फिन को कह रही है अदर, ठीक है। और जो थॉट उसके हैं वही थॉट मेरे हैं, क्योंकि भाई ये वाली डॉल्फिन भी परेशान है स्विमिंग पूल में, तो ये भी परेशान है, मैं भी परेशान हूँ, ठीक है। तो इसलिए बोल रही है कि उसके थॉट मेरे थॉट एक जैसे ही है, ये दूसरी डॉल्फिन को, एक डॉल्फिन दूसरी डॉल्फिन के लिए बोल रही है। देयर इज अ मैन एंड देयर आर हुप्स, देयर इज अ कॉन्स्टेंट फ्लोइंग गिल्ट। अब वो कह रही, अब वो डॉल्फिन कह रही है कि यहाँ पे मैन है, ठीक है, तो मैन तो है ही, और यहाँ पे ना एक्चुअल में इनको डॉल्फिन को स्विमिंग पूल में ना वो दिया जाता है, ऐसे बड़े बड़े ना प्लास्टिक के ऐसे रिंग्स टाइप के होते हैं, उन रिंग में से इनको कुदाया जाता है। जैसे यहाँ पे एक रिंग पकड़ लिया जाएगा और उसको बोला जाएगा इसमें से कूदो, ठीक है। तो आप अगर गूगल करोगे तो आपको दिखाई देगा, हुप्स रिंग टाइप के होते हैं, तो रिंग में से इनको कुदाया जाता है, ठीक है, वो एक सर्कस की तरह है, प्ले कराते हैं। तो वो क्या कह रही है डॉल्फिन की, इंसान है अपने हुप्स लेके आ जाता है और हमें, हमसे ये गेम वेम खिलवाते रहते हैं, ठीक है। और एक कॉन्स्टेंट फ्लोइंग गिल्ट भी है, तो कॉन्स्टेंट फ्लोइंग गिल्ट किस में है, वो गिल्ट कह रही है कि, डॉल्फिन कह रही है मेरे अंदर ही गिल्ट है। गिल्ट क्या है कि क्यों मैं लालच में आ गई, क्यों मैं केयरलेस हो गई और मैं जाल में फंस गई, समुंदर में जाल में फंसा लिया गया था ना इसको, फिशरमैन ने जाल में फंसा लिया, तो इसको गिल्ट हो रहा है कि मैं क्यों उस टाइम में केयरलेस होकर जाल में फंस गई फिशरमैन के और मैं यहाँ पे स्विमिंग पूल में आ गई, ठीक है। वी हैव फाउंड नो ट्रुथ इन दिस वाटर, नो एक्सप्लेनेशन, ट्रेम्बल ऑन आवर फ्लैश। वो कह रही है कि मुझे इस पानी में कोई सच्चाई नहीं लगती, ये वाला पानी में स्विमिंग पूल के, मेरा असली घर तो वहाँ है यार, समुंदर में, वहाँ मुझे लगता है कि मैं फ्री हूँ, वहाँ मुझे लगती है जिंदगी है, ये कोई जिंदगी थोड़ा है, बस एक स्विमिंग पूल में हमें बांध के रख दिया, ये कोई फ्रीडम नहीं है, बिना फ्रीडम के जिंदगी जिंदगी नहीं है, सिर्फ सांस लेना जिंदगी नहीं है, फ्रीडम भी जरूरी है। तो ये कह रही है, ठीक है, वी आर ब्लेस्ड एंड नाउ वी आर नॉट ब्लेस्ड। वो कह रही है एक टाइम पे मैं बड़ी ब्लेस्ड थी जब मैं समुद्र में जिंदगी जी रही थी, आप देखो ना कितना खुश सी लग रही है यहाँ पे, कितना एक समुद्र में जिंदगी थी इनकी, नेचुरल जिंदगी, कहाँ इन्हें यहाँ पटक दिया है। तो कह रही है मैं समुद्र में बड़ी ब्लेस्ड थी, बट अब मैं अपने आप को ब्लेस्ड नहीं मानती क्योंकि मुझे एक प्रेजेंट टाइप में रख दिया है। स्विमिंग पूल उनके लिए एक जाल है, एक जेल जैसी है, ठीक है। समुद्र कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा, 70% दुनिया में क्या है, पानी पानी है, तो कितना बड़ा होता है, ओशन की तो कोई लिमिट ही नहीं है, और स्विमिंग पूल क्या है, जरा सा है उसके आगे, 0.001% भी नहीं है स्विमिंग पूल ओशन का। तो कह रही है कि मैं वहाँ ब्लेस थी लेकिन यहाँ मैं ब्लेस नहीं हूँ। आफ्टर ट्रेवलिंग सच स्पेस फॉर डेज वी बिगन टू ट्रांसलेट। अब वो कह रही है कि बहुत लंबे टाइम तक जब मैं इस पानी में रह ली हूँ तो अब मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। ट्रांसलेट मतलब क्या है, ट्रांसलेट मतलब समुंदर से ये यहाँ पे आ गई है स्विमिंग पूल में, तो ट्रांसलेशन हो गया इसका, समुंदर से कहाँ पे आ गई, स्विमिंग पूल में। वो कह रही स्टार्टिंग में जब मैं आई थी तो मैं समझ नहीं पाई स्विमिंग पूल को, एक्सेप्ट नहीं कर पाई, लेकिन अब मैं बहुत लंबे टाइम से यहाँ रह रही हूँ, इतने लंबे टाइम से यहाँ अब जिंदगी जी रही हूँ, मजबूरी है मेरी, तो अब मैंने फिर अपने इस भाग्य को एक्सेप्ट कर लिया, मैंने अपने ये मान लिया कि मेरी लाइफ का लक है, ये मेरी किस्मत ही यही है, तो अब मुझे इसी में बिताना है। तो अब मैंने जो मेरा ये ट्रांसलेशन हुआ है ना समुंदर से स्विमिंग पूल में, मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। शुरू शुरू में एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी, बट अब एक्सेप्ट करना मजबूरी है मेरी, ठीक है। इट वॉज द सेम स्पेस, इट इज द सेम स्पेस ऑलवेज बिट एंड अबव इट इज मैन, ठीक है। वो कह रही है कि जो पानी है, ठीक है, तो जो पानी है, पानी तो वही है, लेकिन जो समुद्र का पानी है वो वाली चीज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और वो कह रही है हमारे ऊपर आदमी है, आदमी हमारे ऊपर, मतलब हमें छोटी सी स्पेस दे दी गई है और जो आदमी है हमारे ऊपर वो हमें कंट्रोल करता रहता है, वो कहता है ऐसे करो, हमें वैसे ही करना पड़ता है। फिर आ रहा है एंड नाउ वी आर नो लॉन्गर ब्लेस्ड फॉर द वर्ल्ड विल नॉट डिपेंड टू ड्रीम इन। अब वो कह रही है कि हम ब्लेस्ड नहीं है, अब ये जो हमारा वर्ल्ड है ना स्विमिंग पूल, ये कभी भी ओशन नहीं बन पाएगा, इसका मतलब यही है, फॉर द वर्ल्ड विल नॉट डिपेंड टू ड्रीम इन। डिपेंड टू मतलब अब ये जो मेरा स्विमिंग पूल है ये कभी भी उतना डीप नहीं हो पाएगा जितना ओशन डीप होता है, जितना समुंदर डीप होता है, ठीक है। और समुंदर में क्या था, समुंदर में मैं अपने ख्वाब देखती थी कि मैं खुश हूँ, मैं फ्री हूँ, मैं इंजॉय कर रही हूँ, बट मैं यहाँ पे इंजॉय नहीं कर पा रही स्विमिंग पूल में, और ये स्विमिंग पूल कभी भी उतना डीप नहीं हो पाएगा जितना ओशन है, तो कभी मैं वैसी ज़िंदगी नहीं जी पाऊंगी, मैं ब्लेस्ड नहीं हूँ। तो अपने आप को बहुत हद तक ना बड़ी दुखी है डॉल्फिन, बड़ी कोस रही है अपने आप को, बड़े डिप्रेशन में है डॉल्फिन, ठीक है। तो यही राइटर बता रहा है यहाँ, पोइट। द अदर नोज एंड आउट ऑफ लव रिफ्लेक्ट्स मी फॉर माई सेल्फ। वो कह रही अदर कौन है, दूसरी डॉल्फिन। वो कह रही दूसरी डॉल्फिन भी मेरी स्टेट ऑफ माइंड को समझती है, क्योंकि जिस स्टेट ऑफ माइंड में मैं हूँ, मैं दुखी हूँ, वो भी दुखी है, तो हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं और हमारा एक दूसरे के लिए प्यार भी है। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि डॉल्फिन बहुत सेंटीमेंटल है, क्योंकि एक डॉल्फिन दूसरी डॉल्फिन को प्यार करती है, उसके माइंड के स्टेट को समझती है कि मैं भी दुखी हूँ और ये भी दुखी है स्विमिंग पूल में। इससे क्या मालूम पड़ता है हमें कि इमोशंस काफी स्ट्रॉन्ग है इनके अंदर, डॉल्फिन के अंदर, और इनके अंदर फीलिंग है एम्पैथी की। एम्पैथी का मतलब होता है
जैसा आप फील कर रहे हो वैसा मैं फील करूं। मान लो अभी आपको कांटा लग जाए और आपको पेन हो, और वही पेन अगर मैं भी फील करना स्टार्ट कर दूं कि इंसानों को इतना पेन हो रहा है, बेचारे को लग गई है, इसको खून निकल रहा है, तो अगर वही पेन अगर मैं भी फील करूं तो दैट मीन्स एम्पैथी। तो डॉल्फिन के अंदर एम्पैथी की फीलिंग है, ठीक है। सिंपैथी और एम्पैथी में डिफरेंस होता है, एक ही चीज़ नहीं है, ठीक है। तो डॉल्फिन के अंदर एम्पैथी की फीलिंग है, ये फील कर पा रही है कि दूसरी डॉल्फिन क्या फील करती है। वी सी अवर सिल्वर स्किन फ्लैश बाय लाइक मेमोरी ऑफ समवेयर एल्स। वो कह रही है कि एक टाइम पे जब मैं समुन्द्र में निकलती थी, ओशन में बड़े बड़े में जब ऊपर नीचे मैं गोते लगाती थी, जैसे कि ये लगा रही है ना, जो ऊपर निकल रही है नीचे निकल रही है, तो इसकी जो सिल्वर स्किन थी ना वो चमकती थी समुन्द्र में। पर वो कह रही है अब मैं वो चमक भूल चुकी हूँ, अब वो कहीं और की चमक है, मतलब वो समुन्द्र की चमक थी, यहाँ नहीं है मेरे अंदर वो चमक। देर इज अ कलर्ड बॉल वी हैव टू बैलेंस टिल द मैन इज डिसअपीयर्ड। वो कह रही है अब यहाँ पे मुझे हमें इसमें ले आए हैं स्विमिंग पूल में। स्विमिंग पूल में क्या होता है, एक ना बॉल दे दी जाती है, ठीक है, आपने देखा होगा यूट्यूब पे वीडियोज भी है, एक छोटी सी बॉल दे देती है और डॉल्फिन को उन बॉल को बैलेंस करना होता है। क्यों करते हैं बैलेंस, ताकि जो आसपास स्पेक्टेटर्स आते हैं देखने के लिए, इनको जो बच्चे आते हैं जो बड़े आते हैं ना देखने के लिए, उनको अच्छा लगे, उनको मजे आए देख के, ठीक है। तो सिर्फ एक सर्कस में जैसे एक जानवर होता है वैसे बना के रख दिया ने, ठीक है। तो वो कह रही है हमें हमारा काम सिर्फ ये है बॉल्स को बैलेंस करते रहो, ठीक है। द मून हैज डिसअपीयर्ड वी सर्कल वेल वॉन ग्रूव्स ऑफ वाटर ऑन सिंगल। अब वो मून हैज डिसअपीयर्ड क्यों बोल रही है भाई, अब यहाँ पे स्विमिंग पूल में से चांद मान तो दिखाई नहीं था, जब वो ओशन में टहलती थी तो ऊपर चांद था, खुले आसमान में थी, मून था, सब कुछ दिखती थी, ठीक है। अब यहाँ क्या है, यहाँ तो कुछ नहीं है। वो कह रही बस एक ही जगह चक्कर लगाते रहो, स्विमिंग पूल में है क्या, बस एक ही जगह घूमते रहो। तो इसका मतलब यही है, वी सर्कल वेन वॉन ग्रूव्स ऑफ वाटर ऑन अ सिंगल नोट। अब ये है यहाँ तो कुछ नहीं है, बस एक ही चक्कर लगाते रहो पूरे टाइम, सर्कल में घूमते रहो बस, स्विमिंग पूल में तो कुछ है नहीं, ना मून दिखाई देता ना कुछ, मून मून सब चला गया मान लिए। म्यूजिक ऑफ लॉस फॉर एवर फ्रॉम द अदर साइड विच टर्न्स माई ओन टू स्टोन। वो कह रही है कि मैं देखती हूँ कि जो मेरे साथ में जो डॉल्फिन है उसके अंदर एक म्यूजिक था, लेकिन अब वो म्यूजिक खत्म हो गया है क्योंकि उसका लॉस हो गया, वो समुंदर से यहाँ आ गई स्विमिंग पूल में, उसको बड़ा लॉस हुआ, तो उसके दिल में से एक जो म्यूजिक था वो गायब हो गया। तो उसको देख के कि वो इतनी दुखी है दूसरी डॉल्फिन, अब मेरे अंदर मैं भी ऐसी हो गई, मैं भी डिप्रेस हो गई हूँ, तो मेरा भी दिल जो है पत्थर का बन गया है, क्या करें, ठीक है, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकती। वो क्यों बोल रही है पत्थर का बन गया, क्योंकि दूसरी डॉल्फिन को वो देख रही है दुखी है, ठीक है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती। तो जब वो कुछ कर नहीं सकती, खुद भी दुखी है, तो धीमे धीमे जो हार्ट है पत्थर जैसा हो गया है। देर इज अ प्लास्टिक टॉय देर इज नो होप। वो कह रही है कि हमें बस यहाँ पे एक प्लास्टिक का टॉय बना के रख दिया है और हमें प्लास्टिक के टॉयज के साथ खिलाते रहते हैं ताकि हम जो आ रहे हैं लोग हम उनको एंटरटेन कर सकें। तो हमारे पास अब कोई होप नहीं है, अब हमें जिंदगी भर यहीं इसी स्विमिंग पूल में रहना है, ठीक है। वी सिंक टू द लिमिट ऑफ दिस पूल अंटिल द विसल ब्लोस। वो कह रही है फिर अब हम डिप्रेस हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, तो हम कहाँ चले जाते हैं, ये वापस जब हम पूल के डेप्थ में चले जाते हैं, एकदम अंदर चले जाते हैं, ठीक है। डॉल्फिन बिल्कुल पूल के डेप्थ के अंदर चली जाती है, फिर क्या होता है, यहाँ पे जो खड़े हुए हैं ये इंसान ये सीटी बजाएंगे तो वापस ही ऊपर आ जाती है, ठीक है। तो फिर वही कह रही है वी सिंक टू द लिमिट्स ऑफ दिस पूल अंटिल द विसल ब्लोस। विसल जब बजाता है आदमी ऊपर खड़ा हुआ स्विमिंग पूल पे, तो वापस फिर इसको ऊपर आना पड़ता है। देयर इज अ मैन एंड अवर माइंड नोज वी विल डायर। वो कह रही है कि अभी एक इंसान वहाँ खड़ा हुआ है स्विमिंग पूल पे, वो हमको चला रहा है, उसके हिसाब से हम चल रहे हैं, वो हमारा ओनर है, और अब क्या होगा मुझे मालूम है। डॉल्फिन कह रही है कि मुझे यहीं मरना है। तो ये जो पूरी कहानी है, इस यहाँ पे पोएम खत्म होती है, ये पूरी पोएम में क्या कहना चाह रहा है पोएट, ठीक है। डॉल्फिन की लैंग्वेज यूज करी है, ठीक है, पोएट ने बिहाफ ऑफ डॉल्फिन ये पूरा एक्सप्रेस किया। ये बता रहा है कि इंसानों ने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, कुछ पैसा कमाने के लिए जानवरों की जिंदगी नरक कर दी है। तो इसमें दिखाया गया कि इंसान जानवरों पर किस तरह से टॉर्चर करता है, उन पर एंडलेस सफरिंग करता है, ठीक है, एकदम मर्सी खत्म हो गई है इंसान के अंदर। तो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए वो एनवायरनमेंट को, जानवरों के साथ कैसे छेड़खानी कर रहा है और जानवर कितना परेशान हो रहे हैं सिर्फ इंसान की ग्रीड की वजह से, ठीक है। तो गाइज ये थी पोएम, इसी के साथ पोएम खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा काइंडली इसको शेयर जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर गाइज़।